सबसे पहले मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं इंटरवेंशन के स्टेज पे बोल सकूँ। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जब हम रेडियोलॉजी की फील्ड से निकलकर इंटरवेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस तरफ जाएं जिस तरफ हमारे ज़्यादातर कोलीग्स जो क्लिनिकल साइड के हैं वो जा रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी और जो अलग क्लिनिकल ब्रांचेज के लोग। वी शुड ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द क्लिनिशियंस एंड वी शुड मेक अवर मोडेलिटी ए क्लिनिकल मोडेलिटी। अब ये समय आ चुका है कि हम रेडियोलॉजी के उस डायग्नोस्टिक फील्ड से निकलकर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वार्ड में जाएं, पेशेंट को अपने अपने अंदर भर्ती करें, पेशेंट को हम ट्रीट करने के लिए अपनी क्लिनिकल सेंस यूज करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के फेलोशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। हमारी सोसाइटी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इस बारे में कि डीएम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एंड डीएनबी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी प्रोग्राम शुरू करके इस साल से हमने एक कदम प्रगति की ओर उठाया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप डीएम एंड डीएनबी के लिए अप्लाई करें, साथ में हम सब मिलकर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को उस प्रगति तक लेके जाएं, उस ऊंचाई तक लेकर जाएं जहाँ पे सारी फील्ड्स लाइक कार्डियोलॉजी, लाइक नेफरोलॉजी, लाइक अदर सोसाइटी पेरिफेरल वास्कुलर सर्जरी दे कांट टच अस। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, आप सभी फेलोज एंड जितने भी हमारे रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं कि आप सब आए कॉन्फ्रेंस में, आए सुने हमारे जितने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, आप उनसे बात कर सकते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, यू कैन गिव देम ए कॉल, यू कैन मैसेज देम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन कॉल देम, जस्ट यू रेज यूर क्वेरी, वी विल डेफिनेटली आंसर यू विद इन अ डेज और विद इन अ मिनट्स। इसके अलावा अगर आप सबको लगता है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का फ्यूचर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में आगे क्या प्रोस्पेक्टस है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में आगे हमें क्या मिल सकता है, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड ये वेबसाइट बनाई है। आप इसमें हमारे सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट एंड अदर ऑफिस बेयरर्स को आप संपर्क कर सकते हैं, फेलोशिप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोस्पेक्टस के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड अदर थिंग्स जो भी आपके दिमाग में करी चलती हैं। इस सभी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप भी मेरे साथ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के फील्ड में जुड़ें और जिस तरह से हमारे बाकी सब इंटरवेंशन वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, आप भी एक क्लिनिशियन की तरह आगे जाके एक्ट करें उसमें। थैंक यू।